हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि जीवन जीने की एक कला होती है, और यदि हम उस कला को जानते हैं तो जीवन को सही तरीके से, सही रास्ते पर चलते हुए खुशी से, आनंद से, प्रेम से व्यतीत कर सकते हैं। जीवन में कुछ ऐसे ही कार्य हैं जो हमें करने नहीं चाहिए, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका जीवन में यदि पालन किया जाए तो मनुष्य का ये जो अद्भुत जीवन हमें मिला है वो सार्थक हो जाता है। जी हाँ, आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि मनुष्य जीवन को सही तरीके से जीने के लिए जिन सफल जीवन मंत्रों की आवश्यकता होती है, जिन प्रेरणादायक जीवन मंत्रों की आवश्यकता होती है, आज इसमें उसी की चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जीवन का सबसे सफल मंत्र पहला, सुख और दुख में समान रहें। जी हाँ, जिंदगी में उतार चढ़ाव हमेशा लगा रहता है, हर समय संघर्ष और चुनौतियाँ हैं। हमारे पास जो भी है हमें खुश रहना सीखना चाहिए। जो हमारे पास है ही नहीं उसके बारे में सोचकर क्यों दुखी होना। खुशियाँ बड़ी बड़ी उपलब्धियों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पलों को जीने में हैं। यह बात हमेशा ध्यान रखें कि जब भी जीवन में खुशियाँ आती हैं तो दुखों का मुकुट पहनकर आती हैं, इसलिए जीवन में सुख और दुख दोनों ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए किसी ने सच ही कहा है दोस्तों कि अच्छे दिन खुशियाँ लाता है और बुरा दिन अनुभव लाता है। ज़िंदगी में दोनों ही ज़रूरी हैं। जी हाँ, हमें कोशिश करना चाहिए कि दोनों चीज़ों के लिए हमें साहस हो, दोनों का सामना करने के लिए हमें हमारे पास सामर्थ्य हो। दोस्तों, जीवन की सफलता का दूसरा मंत्र, जीवन में मन की शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। यदि मनुष्य में शारीरिक शक्ति तो बहुत हो परंतु मानसिक शक्ति ना हो तो ये परिणाम नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए तन की शक्ति के साथ साथ मन की शक्ति का होना भी बहुत ज़रूरी है। इस दुनिया में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जो मन की शक्ति से अधिक शक्तिशाली हो और उसका समाधान न हो। जहाँ चाह होती है वहाँ हमेशा राह होती है। जीवन की सफलता का तीसरा मंत्र, दूसरों के प्रति अपने नज़रिए को बदलिए। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सर्वगुण संपन्न हो। हर किसी व्यक्ति में कुछ न कुछ कमियां हैं। दूसरों को बदलने की कोशिश न करें और न ही दूसरों पर कभी उंगलियां उठाएं। जो जैसा भी है यदि हम उसको उसी स्वरूप में पसंद करेंगे तो इससे हमारे मन को शांति मिलेगी और हम अपने जीवन में सार्थक हो सकेंगे। जीवन की सफलता का चौथा मंत्र, देने की भावना को जगाइए। जब मनुष्य में दान देने की प्रवृत्ति जन्म होती है तो समाज में उसका प्रभाव बढ़ता है और अन्य लोग प्रेरित होते हैं। मनुष्य की सारी उपलब्धियां तभी मायने रखती हैं जब वह समाज के लिए कुछ अच्छा करता है। हमें सीखना है तो प्रकृति से सीखना चाहिए। प्रकृति हमें देने की कला सिखाती है, जैसे सूरज हमें रोशनी और ऊर्जा देता है, वृक्ष हमें फल देते हैं, नदियां हमें जल देती हैं, प्राकृतिक संपदाएँ हमें सब कुछ देती हैं बिना कुछ अपेक्षा के साथ कि उन्हें कुछ मिलेगा। जी हाँ, जीवन का सफलता का पांचवा मंत्र, झूठ का सहारा कभी न लें। यह बात हमेशा ध्यान रखें कि एक झूठ के लिए हमें हजार झूठ बोलने पड़ते हैं। सत्य को कभी याद नहीं रखना पड़ता, जबकि झूठ को हमेशा स्मृति पटल पर आगे रखना होता है। झूठ को आप जितनी बार दोहराते हैं उतनी ही बार उसका अर्थ बदल जाता है। यदि हम जीवन में झूठ का सहारा लेते हैं तो यह मानसिक तनाव का सबसे बड़ा कारण बनकर हमारे जीवन की सरलता को समाप्त कर देता है। जी हाँ, जीवन सरल होना चाहिए, क्योंकि सरलता में ही सत्य है और सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही शिव है और शिव ही सुंदर है और सत्य ही सुंदर है। जीवन की सफलता का छठा मंत्र, कभी भी जीवन में अहंकार न करें। अहंकार ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। हमें इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम कौन हैं, हमारा अस्तित्व क्या है। आसमान के छोटे छोटे सितारे भी हमसे बहुत ज़्यादा बड़े हैं। सड़क पर पड़े रहने वाला छोटा सा कंकड़ भी सदियों तक स्थिर रहकर शांत पड़ा रहता है, लेकिन मनुष्य में ऐसी प्रवृत्ति कम देखने को मिलती है, क्योंकि हम लोग बहुत छोटी छोटी बातों पर अपने अहंकार के कारण धैर्य और संयम को खो बैठते हैं। जी हाँ, अहंकार करने से मनुष्य की बुद्धि का नाश होता है। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ जीवन के मूल मंत्र थे जिनका सही तरीके से पालन किया जाए तो हम अपने जीवन को सुखमय, आनंदमय बना सकते हैं। मैं तो कहना चाहूँगा कि सुख भी बहुत है तो परेशानियाँ भी बहुत हैं, लाभ भी बहुत हैं तो हानियाँ भी बहुत हैं,
क्या हुआ, प्रभु ने जो थोड़े गम दे दिए, लेकिन उसने जो हम पे किया वो मेहरबानियाँ भी बहुत हैं, वो मेहरबानियाँ भी बहुत है। उन मेहरबानियों का आभार जताइए और शुक्राना करते हुए जीवन में आगे बढ़िए। मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे वीडियो को पसंद करने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं, और फिर आगे किसी अच्छी कहानियों के साथ, अच्छी बातों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।